यूपी के रामपुर में जमीनी विवाद के चलते परिवार के ही लोगों ने मदरसे में घुसकर पत्थरों की बरसात कर दी। यही नहीं, मारपीट भी की गई। इस घटना में एक महिला सहित दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों में खौफ का माहौल बन गया है। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने वीडियो तो बनाई, परंतु हमलावरों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की, जिससे पीड़ितों ने पुलिस पर सांठ गांठ का बड़ा आरोप लगाते हुए एसपी रामपुर सहित आईजी मुरादाबाद से शिकायत की है। घटना थाना अजीम नगर क्षेत्र के डोकपुरी टांडा गांव की है, जहां पीड़ित कारी तलाहा की पत्नी का जमीनी विवाद उनके ही परिवार के लोगों से चल रहा है, जिसमें कारी तलाहा पर बच्चों से छेड़छाड़ का आरोप लगाकर झूठे मुकदमे कर जेल भी भिजवाया था। कारी तलाहा के मदरसे में सीसीटीवी कैमरा भी लगा है, उसके बाद भी उन पर उनके परिजन पर जुल्म करने का लगातार सिलसिला चला आ रहा है। पीड़ित महिला का आरोप है कि उसके पिता हाजी जी ने बराबर से जमीन बहनों और भाइयों को दे दी है, जिसमें उसका भाई नाराज है और उसने अपने बेटों और दोस्तों के साथ मिलकर कई बार हमें मारने की कोशिश की है। साथ ही उनके अब्बू यानी हाजी जी पर हमला भी किया गया है। घर और मदरसे में पत्थर बरसाए हैं, जिसमें मेरे अब्बू घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए उत्तराखंड के सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक है। पूरी बात ये हुई थी, मैं यहाँ पे प्रेस कर रही थी और घर के लोग नीचे हुए थे, तो इधर से आए गुफान भाई की तरफ से 4-5 लड़के और यहाँ से ईंटें फेंकना शुरू कर दिया, तो मैं समझी पता नहीं किसने फेंका। मैंने थोड़ा निकल के देखा तो मैंने उसे देखा, वहाँ पे था, वो दिख रहा था, एक मुजीब था, एक उसका सलीम का लड़का था, मुरसलीम नाम था उसका, और एक इबाद रहमान था, और दो लड़के थे, एक सलीम की लड़की थी शादाब और एक छोटी वाली लड़की थी उसकी मुमताज। तो जब ईंटा फेंका तो ये टूटा इसके अंदर, फिर दूसरा फेंका तो उस पर लग के फिर मेरी टांग पर लगा, जिससे मेरी टांग घायल हो गई। मदरसे में तोड़फोड़ करी इन्होंने? जी, मदरसे में तोड़फोड़ करी, ये गेट तोड़ा। अब्बू जी ने थोड़ी जमीन दे दी हमें बहनों को, उसकी वजह से विवाद करते हैं। पहले हमारे घर में से उन्हें मतलब निकाला घर से, हमारे अब्बू जी को और हमारी कुंवारी बहन को घर से निकाल दिया। वो भी मुकदमा हुआ, दीवार तोड़ दी थी, उसकी पसली तोड़ दी थी मारते मारते, और उन्हें बूढ़े बाप है हमारे, बीमार है, उन्हें बाहर निकाल दिया। फिर वो इस विवाद की वजह से मैं अपने घर पे लिए कि चलो यहाँ पर पूरा मसला ये प्रॉपर्टी का है। हाँ, प्रॉपर्टी का, और सारे ये जो है प्रधान वगैरह ये सब दलाल लोग हैं, लगे हुए ये करा रहे हैं, मोटे मुकदमे दर्ज कराए गए। भाई ये पुलिस से प्रधान वगैरह मिले हुए हैं और वो पैसा देता रहता पुलिस को, तो हमारी सुनती नहीं पुलिस, और उन्हीं की सुन के हमारे ऊपर केस दायर कर देती। जैसे हम मारने के लिए आए हैं गुफान भाई की छत पे से, और सारी ईंटें बगैले और किवाड़ तोड़ दी, और हमारे बहन के भी इतनी जोर से अच्छा लगा, और हमारा बुजी के भी अच्छा लगा बहुत जोर से। हमारी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं कर रही पुलिस, और हमें बुरा भला कह के चली जाती है, और उनकी तरफ से मिल रही है पुलिस, झूठे मुकदमे फंसा रही है, और प्रधान लोग भी उनसे ही मिले हुए हैं, हमारे साथ में जुल्म जास्ती कर रहे हैं। हमारे थोड़ी सारी जमीन दे दी है हमारे अबू जी ने हमें। अच्छा, आपको बहनों को जमीन दे दी, उसकी वजह से सारा ये ड्रामा जी। तो चोटें वोटे भी लगी कई लोगों के? चोटें लगी, मेरी उंगली में चोट लगी थी। तो मदरसे में तोड़फोड़ की गई है? हाँ, मदरसे में गुफान भाई की तरफ से अद्धा चौके वगैरह और तोड़फोड़ करके और वो चला गया। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए।